बच्चों अपन क्या पढ़े थे, पार्ट तीन और पार्ट चार। पार्ट तीन पढ़ चुके थे और पार्ट चार शुरू किए थे। तो अभी पार्ट चार के बारे में नहीं, आपको पार्ट तीन जो है ना उसमें थोड़ा ग्रामर है आपको वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत से बच्चे पूछ रहे कि द्वितीय अक्षर कैसे लिखते हैं। द्वितीय अक्षर के आप कुछ भी नहीं लिखे थे, द्वितीय अक्षर से आपको दीवार बनाने के लिए बोले थे ना बच्चों। यहाँ पर द्वितीय अक्षर की दीवार दी गई है। दीवार पर लिखे द्वितीय व्यंजनों से तीन तीन शब्द बनाकर लिखिए। आपको यहाँ पर द्वितीय अक्षर दिए हैं। द्वितीय अक्षर किसे कहते हैं, जो एक शब्द आधा और जो एक अक्षर आधा और वही पूरा, वही अक्षर पूरा, तो ऐसे दो अक्षरों को मिलाकर लिखे वाले लिखने वाले शब्द अक्षर को क्या कहते हैं, द्वितीय अक्षर कहते हैं। इसकी परिभाषा भी मैं आपको लिखाई, द्वितीय अक्षर की परिभाषा भी आपको लिखाई। और द्वितीय अक्षर और संयुक्त अक्षर पर द्वितीय अक्षर और संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे कैसे लिखना है। तो यहाँ पर पहले क्या है, द्वितीय अक्षर कैसे लिखते हैं अपन देखेंगे। क्या है ये द्वितीय अक्षर, द्वितीय अक्षर आपको पार्ट तीन में है। पार्ट तीन में आपको द्वितीय अक्षर है। द्वितीय अक्षर क्या है, द्वितीय अक्षर पहला अक्षर पूरा और वही अक्षर आधा। पहले अक्षर आपको क्या है, पा है, और उसके बाद आपको वही अक्षर वही पा है, तो ये क्या हो गया, द्वितीय अक्षर हो गया। आप आधा क है और आप प्लस ख है, तो क्या हो गया, ये दो मिलाया तो कौन सा अक्षर आता, क, कौन सा अक्षर आता, और एक अक्षर आपको यहाँ पर, आपको एक अक्षर प है और एक अक्षर प, आपको एक अक्षर क्या है, प। तो आप क्या लिखते हैं, वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं। क्या है, द्वितीय अक्षर है, एक अक्षर पूरा और एक अक्षर आधा, वही अक्षर आधा लिखने से उसको क्या कहते हैं, द्वितीय अक्षर कहते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर दीवार दिया गया है, दीवार में वॉल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, वो अक्षर आपको यहाँ पर बॉक्स में तीन तीन वैसे ही अक्षर वाले शब्द आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आधा ना जुड़ा हुआ ना, आधा मा जुड़ा हुआ मा, और आधा ब जुड़ा हुआ भा, और यहाँ पर आधा ला जुड़ा हुआ ला, आधा सा जुड़ा हुआ सा दिया गया है। तो आपको कैसा लिखना है, बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आया कैसे लिखना है, ऐसे ही आपको शब्द ढूंढ कर लिखना है, ऐसे ही दीवार बनाकर आपको लिखना है। ये कैसा लिखना है मैं आपको बता दूँ, पहले द्वितीय अक्षर कैसे लिखते हैं आपको मैं समझा, ठीक है। आपको बुक नंबर थ्री में पेज नंबर 19 है, आपको बुक नंबर थ्री में पेज नंबर 19 है। तो आपको यहाँ पर ना है, ये ना है, ऐसे ही आपको तीन शब्द बनाना है। तो यहाँ पर एक शब्द दे दिया है और क्या है, आधा ना जुड़ा हुआ ना अन्न, क्या हो गया अन्न। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, गन्ना, क्या लिखना है, गन्ना। यहाँ पर मा कू की मात्रा मु, आधा ना जुड़ा हुआ ना मुन्ना, क्या लिखना है, मुन्ना। ऐसा ही दीवार आपको बनाना है। और नेक्स्ट क्या है, आधा मा जुड़ा हुआ मा, आधा मा और जुड़ा हुआ, यहाँ पर तीन शब्द लिखना है, उसके क्या लिखना है, तीन शब्द लिखना है आपको। तो आप तीन शब्द में क्या लिखते, पहले मा, आधा मा, जुड़ा हुआ मा, मापी की मात्रा। तो ये कौन से शब्द है, ये कौन से अक्षर है, द्वितीय अक्षर है। देखो दो भी मा है यहाँ पर, एक आधा मा है, एक पूरा मा है, ये क्या है, द्वितीय अक्षर है। मम्मी, चम्मच, चम्मच, क्या हो गया, चम्मच। उसके बाद अम्मा, आपको अम्मा, ये पी अक्षर क्या है, ये अक्षर क्या है, द्वितीय अक्षर है। और यहाँ पर आधा भ जुड़ा हुआ भ है, आधा भ और जुड़ा हुआ भ है। यहाँ पर इसको क्या करना है, लिखना है, शब्द बनाना है। कैसे बनाते, डिब्बा, डिब्बे में आधा भ और पूरा भ आता, तो ये क्या हो गया, डिब्बा। और यहाँ पर गुब्बारा, गुब्बारा में बलून, गुब्बारा में भी क्या है, आधा भ जुड़ा हुआ भ है। और यहाँ पर धब्बा, धब्बे में भी आधा भ और जुड़ा हुआ भ आता है। ये सब क्या है, ये सब आपको, ये सब क्या है, द्वितीय अक्षर है। ये हो गया आपको द्वितीय अक्षर। अब संयुक्त अक्षर कैसे लिखना है आपको, ये हो गया द्वितीय अक्षर, थोड़े एग्जांपल आपको मैं दी। अब संयुक्त अक्षर
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। आपको समझ में आ गया द्वितीयांश कैसा लिखना है? आधा ना, जुड़ा हुआ ना, ये संयुक्त द्वितीय अक्षर है। अब संयुक्त अक्षर कैसे लिखना है अभी अपन देखेंगे। संयुक्त अक्षर क्या है देखो, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। हिंदी भाषा में ये चार अक्षरों को क्या माना गया है? संयुक्त व्यंजन। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। यहाँ पर क्ष लिखना है, कैसा लिखते हैं अपन? त प्लस र, तो कौन सा अक्षर आ गया? त्र। और यहाँ पर क प्लस श्यो, ये दो अक्षर मिलाए तो क्या आ गया? क्ष। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। ये दो व्यंजनों का मेल से कौन सा अक्षर आ गया? संयुक्त अक्षर आ गया। क और क्ष क्या हो गया? क्ष। त्र, त और रा क्या हो गया? त्र। और यहाँ पर देखो जा और इनी, जा और इनी मिलाए तो क्या हो गया? ज्ञा। और जा और इनी मिलाए तो क्या हो गया? ज्ञा। और यहाँ पर श, श प्लस र, ये दो व्यंजन मिलाने से क्या हो गया? श्र। ये दो व्यंजन मिलाने से क्या हो गया? श्र। यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब व्यंजन ही है। यहाँ पर ये सब व्यंजन ही है। ये चार अक्षर क्या है? संयुक्त व्यंजन है। चार अक्षर क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये क्या है? ये भी व्यंजन है, ये खाली व्यंजन है। ये दो मिलाए तो एक अक्षर आया है। ऐसे वाले शब्द को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। यह दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं, उसमें क्या है? कक्षा। क्ष क्या है? संयुक्त अक्षर। और यहाँ पर साधु त्रिशूल लेकर खड़ा है। त्र क्या है वहां पर? त्रिशूल। त्र क्या है? संयुक्त अक्षर। ज्ञानी के पास ज्ञान का भंडार है। ज्ञानी के पास ज्ञान का भंडार है। ज्ञान क्या है? संयुक्त व्यंजन। किसान श्रम करता है। श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन। ऐसे संयुक्त व्यंजन है। तो आपको टेक्स्ट बुक में भी संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। अब पार्ट चार में आपको संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको ये संयुक्त अक्षर के बारे में आपको समझा रही। तो यहाँ पर क्या है? संयुक्त अक्षर दो व्यंजनों के अक्षरों को मिलाकर एक संयुक्त अक्षर बनता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पर एक अक्षर आता एक अक्षर आता और दूसरा अक्षर पूरा, तो वो अलग अलग अक्षर मिलाकर एक शब्द, एक अक्षर बनता है, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। आपको ये यहाँ पर संयुक्त अक्षर तो बता दी मैं आपको, वो आधा अक्षर कैसे लिखते हैं आपको मैं अगली कक्षा में समझाती। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। बच्चों धन्यवाद।